नमस्कार लाइट हाउस के एक और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो में आप सभी का स्वागत है और जैसा कि मैं जानता हूं कि आप सभी उत्सुकता से इस दिन का इंतजार कर रहे थे जिस दिन मैं लाइट हाउस क्विज के आंसर्स और उसके विजेताओं की घोषणा करूंगा तो वो दिन आ गया है वो दिन आज ही है तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में और आप जान पाएंगे कि उन सभी क्वेश्चंस के जो मैंने लाइट हाउस क्विज में दिए थे उनके आंसर्स क्या क्या हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और आपको इसमें उन उस क्विज के विजेताओं और रैंडम कमेंट के, का विजेता भी इसी क्विज में पता लगे लगेगा तो चलिए शुरू करते हैं और जैसा कि आप सबको पता है कि हमने 31 अक्टूबर को इस चैनल के द्वारा एक छोटे से गिव अवे का आयोजन किया था जिसके नियम आपको सामने देख रहे होंगे Uh, मुझे बहुत खुशी है कि लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और हमारा जो सब्सक्राइबर जो uh, क्वेश्चन है वो देखिएगा 673 सेवेंटी 650 यानी प्लस हो गया है जो हमने 500 प्लस का जो हमने सेलिब्रेशन किया था उससे इस वीडियो पर 113 लाइक्स आए हैं और बहुत सारे कमेंट आए हैं जिसमें मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है जिसको uh, मुझे आशा है कि मैं आगे अपने वीडियो में इंक्लूड करूँगा तो uh, बने रहिए चलिए देखते हैं कि जो अलग अलग क्वेश्चंस थे उनके बारे में क्या क्या राय है हमें टोटल 80 रिस्पॉन्सेज प्राप्त हुए हैं इस क्विज में और आप देख सकते हैं कि जो रेंज है वो 5 से 21 पॉइंट्स के बीच में है और टोटल पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो एवरेज है वो 13.14 इसका एवरेज है और मीडियम इसका है 13 तो यहां तक आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा रिस्पांस हमें इस क्विज का मिला है जो सबसे कठिन क्वेश्चन लगे क्विज देने वालों को उनमें से कुछ ये क्वेश्चंस हैं और मुझे लगता है इसमें कुछ कंफ्यूजन भी है जैसे डायनासोर का प्रादुर्भाव किस काल में हुआ इसके ऊपर कंफ्यूजन भी बहुत सारे लोगों को है तो ये हम अब देखेंगे कि अलग अलग जो सॉल्यूशन uh, है उन क्वेश्चन के वो क्या क्या है उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त करेंगे तो आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारे लाइट हाउस चैनल के ही ऊपर आधारित था कि लाइट हाउस यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो कब जारी हुआ था और यदि आप लाइट हाउस चैनल पर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जो पहला वीडियो था वो था चैनल इंट्रो और आस्क प्रोजेक्ट आ, एपिसोड वन और वो जारी हुआ था चार अक्टूबर 2018 को तो इसका जो ऑप्शन है वो ये वाला होगा सेकंड ऑप्शन सही होगा और मेरी आपसे फिर से विनती है कि आप आस्क प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखिए जैसा कि मैंने कहा कि एटीट्यूड स्किल और नॉलेज कब आता है जब हम एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं सही क्वेश्चन पूछते हैं और उनके उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आस्क प्रोजेक्ट चलने दीजिए आपको जो मुझसे ऐसा लगता है कि मुझसे पूछना चाहिए कोई क्वेश्चन तो इस वीडियो के कमेंट में या अन्य वीडियो के कमेंट में वो क्वेश्चन जरूर कीजिए ये मैं लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको दूंगा जिसमें आप वो क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे ऐसा लगेगा कि इस पे वीडियो बनाना है तो मैं अवश्य ही आपकी सहायता के लिए वो वीडियो बनाऊंगा फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि वर्तमान में प्रचलित मोबाइल 4g को lte के नाम से जाना जाता है इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और ये जो स्टैंडर्ड है ये यानी यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है जो वायरलेस डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक एडवांस रूप है जो कि थ्री जी यानी जीएसएम और यूएमटीएस यानी यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स या जनरल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन का उन्नत रूप है थ्री का उन्नत रूप है इसका जो सबसे पहले प्रादुर्भाव हुआ था जापान में एनटी टी डोकोमो जैसे आपको याद होगा टाटा डोकोमो हो करके एक uh, uh, मोबाइल सेवा प्रदाता था उसने 2004 में जापान में इसे uh, सबसे पहले प्रपोज किया था और जो फर्स्ट पब्लिक अवेलेबिलिटी थी एल की वो टेलिया सोनेरा यानी स्टॉक होम की एक कंपनी है उन्होंने 14 दिसंबर 2009 को शुरू किया था और याद आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 4G मोबाइल सेवा जो बात करने की सेवा है वो 4G बाद में आई है जिसे हम वोल्टी यानी वॉइस ओवर LTE बोलते हैं वो बाद में आई है LTE सबसे पहले इंटरनेट के ऊपर आधारित थी कि इंटरनेट की स्पीड इससे बढ़ती थी साथ ही जो पहला फोन था एल मोबाइल फोन था जो कि इंटरनेट चला सकता था 4G पर वो था सैमसंग का एस सी एच जो अमेरिका में सबसे पहले लॉन्च हुआ था 2010 में सैमसंग ने ही पहला स्मार्टफोन भी लॉन्च किया था सैमसंग गैलेक्सी के नाम से जो कि पहला 4G जी एल मोबाइल फोन था भारत में एयरटेल ने सबसे पहले 4G सर्विसेज लॉन्च की थी इंटरनेट फोर स्पीड पे वो उन्होंने देना शुरू किया था फिर तीसरा क्वेश्चन था इसमें से बीजीय समीकरण कौन सा है तो इसमें से जो बीजीय समीकरण है वो ऑप्शन चार है ये बीजीय समीकरण है ये जो है ये कहलाता है त्रिकोण मितीय सर्व समीका सर्व समीका या आइडेंटिटी क्योंकि तो ये थीटा की इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज के लिए सही है थीटा की कोई भी वैल्यू रखिए ये हमेशा वन आएगा इसी तरीके से यह है फॉर्मूला या सूत्र इसमें भी ए और बी की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए ट्रू है ये अबीजीय समीकरण है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन ये है अबीजीय समीकरण क्योंकि log x की ये सीरीज के फॉर्म में रहता है cos x भी सीरीज के फॉर्म में रहता है तो इनकी कोई प्रॉपर पावर नहीं है लेकिन इस क्वेश्चन की प्रॉपर पावर है और इसके सिर्फ दो ही सॉल्यूशन होंगे जो कि होंगे माइनस टू और माइनस वन आप सॉल्व करके भी इसे देख सकते हैं तो ये बीजीय समीकरण में आता है चौथा क्वेश्चन था वर्तमान में मोबाइल फोन की बैटरी को किस नाम से जाना जाता है याद रखिए कि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है बहुत लोगों ने एम बैटरी बोला है जो कि ये रॉन्ग है एमएच बैटरी एमएच जो होता है ये पावर का ये पावर दिखाती है कि आपकी बैटरी में कितनी पावर है ये इसको नापता मिली एम आवर्स ये इसमें नापता है जबकि जो, जो बैटरी है ये लिथियम आयन बैटरी कहलाती है और इसे सबसे पहले ब्रिटिश केमिस्ट एम स्टेनली विटिंगम ने खोजा था ये मोबाइल में डायरेक्ट यूज होना तो शुरू नहीं हुई थी पर धीरे धीरे लिथियम आयन बैटरी का उपयोग अब सारे मोबाइल्स में होता है चाहे वो स्मार्टफोन हो या सिंपल फोन हो समय प्रबंधन का सर्वोत्तम तरीका तो आप जैसा बता सकते हैं कि निरंतरता और एकाग्रता निरंतरता और एकाग्रता यदि आप कंटिन्यूस रहते हैं किसी काम में और एकाग्र रूप से करते हैं भले चाहे आप उसे आधा घंटा क्यों ना करें जैसे एक्सरसाइज है यदि आपको एक्सरसाइज सीखनी है आप निरंतर रोज करें और आधा घंटा भी बस करें तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है काम टालना तो बिल्कुल नहीं है एक बार में से अधिक काम करना मल्टीटास्किंग इसको अवॉइड कीजिए लोगों को ऐसा लगता है कि हम मल्टीटास्किंग करेंगे तो बहुत अच्छा काम हमसे हो पाएगा पर ऐसा होता नहीं कठिन काम पहले करना तो ये हो सकता है कि पहले आपको अच्छा लगे कि हमने कठिन काम पहले कर लिया जैसे कि बहुत सारे जो लेखक हैं वो ये बताते हैं कि ईट द फ्रॉग यानी कि सबसे कठिन काम को सबसे पहले करना तो यदि आपको ऐसा लगता है कि कठिन काम पहले कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कठिन काम इतना कठिन होता है कि हम बाकी के काम को करने की इच्छा भी छोड़ देते हैं तो निरंतरता और एकाग्रता जो है वो आपका सबसे अच्छा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ निर्माण के संदर्भ में सुमेलित नहीं है तो याद रखिए कि जिसमें सुमेलित नहीं था वो ये था भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ निर्माण की आ, में प्रमुख भूमिका निभाई थी बाकी सब सही है अभिजात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी थे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी जी थे छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल श्री दिनेश नंदन सहाय जी थे ये जो आकृति है जैसा कि आप सबने बहुत सही उत्तर दिया है कि ये मंडल या मांडला कहलाती है ये लगभग सारे जो धर्म हैं हमारे भारत के प्रमुख धर्म है हिंदू बौद्ध सिख और सिंटोइ्म इन सब में ये जो आकृति है ये ध्यान को बढ़ाने के लिए एकाग्रता को बढ़ाने के लिए और जो प्रकृति में जो सिमेट्री है उसको दर्शाने के लिए उपयोग में लाई जाती है इसको बनाने के बहुत सारे फायदे हैं यदि आप इस तरीके के डिजाइन बनाते हैं तो आपका मस्तिष्क एकाग्र होता है शांत होता है प्लेसिट होता है मन और ये एक धार्मिक चिन्ह को भी दर्शाता है तो आपको यदि शौक है ड्राइंग का तो इसे अवश्य सीखिए और कोशिश कीजिए मैं भी इसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन आठ प्याज काटने पर आंखों में आंसू किस तत्व की, की उपस्थिति से निकलते हैं तो वो तत्व है गंधक प्याज में सल्फीन आ, करके तत्व यौगिक होते हैं जिनको काटने से उसमें से सल्फीन गैस जो निकलती है वो आंख में उपस्थित पानी से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है इसीलिए जितना भी आप प्याज काटते हैं वो सारा आपकी आंखों के पानी से यानी आंसुओं से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और इसे मलने से भी आंखों को मलने से भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता है ये और बढ़ता है जब तक आप धोएंगे नहीं या प्याज को भूनना शुरू नहीं करेंगे तब तक के सल्फीन गैस निकलती रहती है और आपकी आंखों में इरिटेशन होती रहती है एक स्पर्श रेखा वक्र को कितने बिंदुओं पर काटती है ये थोड़ा सा यदि आप कहेंगे कि एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो सकता है पर सही आंसर है इसका एक इसका आंसर क्या है सही क्योंकि स्पर्श रेखा वक्र को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है इसीलिए ये इसका सही आंसर होगा एक बहुत सारे लोग इसको शून्य भी बोल सकते हैं पर शून्य नहीं है क्योंकि एक बिंदु पर तो वो टच करती है क्रॉस पॉइंट कितना है वन है इसलिए शून्य नहीं हो सकता दो नहीं हो सकता क्योंकि बीच में से नहीं काटती तीन नहीं हो सकता क्योंकि तीन जगह पर भी ये नहीं काटती इसलिए आंसर होगा एक इसके बाद आता है ये लॉजिक का क्वेश्चन था फीफा और आईसी आईसीसी फीफा ने फुटबॉल फेडरेशन और आईसीसी क्रिकेट का है तो इसका सही आंसर होगा फुटबॉल अनुपात क्रिकेट लॉजिक का क्वेश्चन था फिर ग्यारहवा था वैदिक गणित की विधि एकाधिकेन पूर्वेण तो एकाधिकेन पूर्वेण लिए लगाई जाती है दो शर्त होती है कि इसका जो आखिरी का जो है इकाई के अंक इकाई के अंकों का योग इकाई के अंकों का योग योग जो होना चाहिए ये होना चाहिए दस और जो दहाई के अंक है आपके दहाई या उसके आगे के अंक दहाई के अंक समान होने चाहिए दहाई के अंक समान होने चाहिए ठीक है तभी तो आप पूर्वेण लगाएंगे पूर्व की संख्या कैसे होनी चाहिए समान होनी चाहिए एक जैसी तो यहाँ पे देखिए ये दोनों बिल्कुल ये दोनों करते हैं क्योंकि पांच और पांच है इसमें भी पांच है और दहाई के अंक समान है चार और चार पांच और पांच तो इसका आंसर आएगा पच्चीस हमने लिखा चार के आगे यानी इसका आंसर 20, 25 आएगा इसका आंसर क्या आएगा पच्चीस और पांच के आगे आता है छह यानी कितना हो गया तीस आंसर आएंगे यहाँ पर देखिए इसमें दहाई के इकाई के अंकों को जोड़ने पर दस आता है तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए साथ या इक्कीस ट्वेंटी वन और तीन क्या आगे आता है चार चार किया बारह यानी ट्वेल्व तो ये आंसर आएगा लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि सात और तीन दस तो होता है लेकिन तीन और दो इसके एकाधिकेन पूर्वेण वाला लॉजिक इसमें नहीं लगेगा इसलिए आंसर होगा ये जो कि इसपे आप पूर्वे नहीं लगा सकते हैं इसी तरीके से ब्लेंडेड मोड परीक्षा जिसमें से आप जान सकते हैं कि कोरोना काल के कारण बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में ब्लेंडेड मोड पे परीक्षा हुई है इसमें हम ऑनलाइन प्रश्न पत्र प्राप्त करते हैं और ऑफलाइन उत्तर लिखकर अपनी बनाई हुई उत्तर पुस्तिका या फिर कॉलेज से ली हुई उत्तर पुस्तिका पे लिखकर उसे वापिस कॉलेज में जमा करते हैं जिसका वैल्यूएशन होता है हमें रिजल्ट मिलता है अपना तो इसका सही उत्तर है ऑनलाइन प्रश्न पत्र और ऑफलाइन उत्तर फिर है श्री गणेश ने किस ग्रंथ को लिखने में सहायता की तो इसका सही उत्तर है महाभारत महर्षि वेदव्यास जी को अपने ही आ, अपने ही वंश की आ, लिखनी थी गाथा और उन्हें यह बताना था कि इंसान कितना सही हो सकता है कितना गलत हो सकता है तो उसके लिए उन्होंने जय ग्रंथ की रचना की थी जैसे बाद में महाभारत का नाम दिया गया और उसे लिखने के लिए उन्हें किसी अच्छे लिपिक की आवश्यकता थी तो ब्रह्मा जी ने गणेश जी का नाम सुझाया गणेश जी तैयार हो गए लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि वो लिखते रहेंगे रुकेंगे नहीं यदि आप रुकने बोलेंगे तो वो रुक जाएंगे फिर आगे नहीं लिखेंगे तो वेद व्यास जी ने यह किया कि वो ऐसे कठिन श्लोकों की रचना कर लेते थे जिसको गणेश जी को भी समझने में समय लगता था और उन्होंने कहा कि गणेश जी को जब तक समझोगे नहीं तब तक लिखोगे नहीं इसलिए नोट्स बनाने के लिए भी याद रखिए जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक के लिखिएगा भी मत गणेश जी की फॉलो कीजिएगा नेक्स्ट जोड़ी बनाइए ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए हैं तो मैं आपको यहाँ बता देता हूं छत्तीसगढ़ का जो प्रथम विश्वविद्यालय था उस समय छत्तीसगढ़ नहीं बना था पर तो उसे प्रथम विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जाती है वो इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की जो राजकुमारी थी इंदिरा जी उनके नाम पर यह विश्वविद्यालय पढ़ा था उसके बाद पृथक छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बनने के बाद जो प्रथम विश्वविद्यालय खुला था वो था हिदायतुल्ला विधि विश्वविद्यालय उसके बाद छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय तो सामने ही है शासकीय जय योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय और छत्तीसगढ़ का केंद्रीय विश्वविद्यालय है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय तो आप ऑप्शन देखिए ए में है टू बी में है बी में है फोर सी में है थ्री डी में है वन तो इसका देखिए ए टू बी फोर सी थ्री डी वन ये आपका सही आंसर है ठीक है नेक्स्ट विश्व की पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थी तो वो थी सिंडार नाइके श्रीलंका तत्कालीन सियोन सियोन नाम था और सिलोन नाम था और 1960 में उन्होंने बिल्कुल बहुमत से वहां पर विजय प्राप्त की थी और उन्हें विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था उसके बाद नंबर दो पर भारत से इंदिरा गांधी नंबर तीन पर गोल्डा मेयर इसराइल से और नंबर चार पर मार्गेट थ्रीचर ब्रिटेन से इसके बाद था प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है दूरी की इकाई है तारीय जो दूरियां होती हैं उनको गिनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि प्रकाश जो है वो एक वर्ष में नौ दशमलव चार छह शून्य सात गुणित दस की घात बारह किलोमीटर की दूरी तय करता है इसीलिए इसे दूरी नापने के लिए सबसे अच्छी यूनिट माना जाता है लेकिन इसके आगे भी यूनिट्स होती हैं, जैसे इससे छोटी जो यूनिट होती है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है यह है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं सूर्य की दूरी कई बार जो अंतर सौरमंडलीय दूरियां हैं वो AU या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नापी जाती हैं इसके ऊपर की जो है प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर के ऊपर की जो है जो हायर है वो है पारसेक ये कहलाती है पैरालेक्स सेकंड जो दूरी कहलाती है और लगभग तीन दशमलव एक प्रकाश वर्ष के बराबर ये होती है लाइट ईयर्स के बराबर होती है लगभग अब इसको आप और चेक गूगल में कर सकते हैं ये तो लगभग पंद्रह करोड़ किलोमीटर के बराबर होती है नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि सौ का बाइनरी द्विधारी अंक क्या है तो इसके लिए आप द्विधारी अंक निकालने का मेथड ही सीख लीजिए सौ को हम डिवाइड करते हैं सौ को हम डिवाइड करते हैं दो से तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा पचास और शेष फल आएगा जीरो फिर पचास को दो से डिवाइड करते हैं यहाँ आएगा पच्चीस शेष फल आएगा जीरो फिर दो से डिवाइड करते हैं लेकिन इस बार ये पूरा नहीं जाएगा बारह दोनी चौबीस और शेष फल आएगा एक फिर देखिए बारह डिवाइड हो जाएगा इसलिए छह आएगा शेष फल जीरो फिर छह को भी आप पूरा डिवाइड कर सकते हैं इसलिए आएगा तीन और शेषफल जीरो तीन को आप पूरा डिवाइड नहीं कर सकते दो एकम दो और बचा कितना एक तो इसको रिवर्स में जब आप लिख देंगे तो आपको बाइनरी नंबर मिल जाएगा हंड्रेड का जो है वन वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो देखिए वन वन कौन सा है भाई देखिए वन वन जीरो जीरो वन जीरो, जीरो जीरो इसका मतलब ये आपका सही आंसर है नेक्स्ट भारत में पंचायती राज के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं तो थोड़ा यदि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा श्री बलवंत राय मेहता जी भारत में पंचायती राज के प्रवर्तक माने जाते हैं बलवंत राय जो कमिटी थी उन्होंने ही इसकी वो की थी प्रस्तावना की थी कि भारत में गाँव के स्तर पर गवर्नेंस के लिए पंचायती राज सबसे अच्छा उपयोग है बलवंत राय मेहता जी गुजरात के सी भी रह चुके हैं निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है इस पर भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन थी मुझे कई मैसेज भी आया कि इसमें तो सभी लीप वर्ष हैं सर सभी चार से डिवाइड होते हैं चार से भाग दे सकते हैं लेकिन याद रखिए कि जो शताब्दियां होती हैं जो सेंचुरीज होती हैं शताब्दी इसमें जो है वो चार सौ से भाग जाना चाहिए शताब्दी में 400 से भाग जाना चाहिए तब वो लीप वर्ष कहलाता है तो इसमें देखिए ये चार से भाग हो जाएगा ये चार से भाग चार से भाग होगा शताब्दी है और ये भी चार से भाग हो जाएगा लेकिन ये जो है वो चार से डिवाइड नहीं हो पा रहा इसके लिए इसका आंसर होगा उन्नीस ये लीप वर्ष नहीं था उन्नीस लीप वर्ष नहीं था तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि चार से भाग जाएगा वर्षों के लिए शताब्दी के लिए आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा चार सौ से डिवाइड करना पड़ेगा नेक्स्ट डायनासोर का प्रादुर्भाव किस काल में हुआ इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन है याद रखिए ये एक रिसर्च का टॉपिक है कि डायनासोर कब आए थे और किस कारण से उनका एक्सटिंक्शन हुआ किस कारण से वो गायब हो गए और कब गायब हुए ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है पर जो 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 हमको मिलता है कि कहाँ ये हो सकते हैं जो अभी तक के जो प्रमाण है वो बताते हैं कि जुरास जो डायनासोर थे वो ट्रायसिक काल में उनका प्रादुर्भाव हुआ था और उसके बाद के सारे काल जो थे जुरासिक काल और सारे काल उनमें वो बहुत आगे बढ़े उन्होंने पूरी पृथ्वी पर कब्जा किया और उसके बाद उनका एक्सटेंशन या फिर खात्मा हुआ तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ट्रियासिक काल जो कि दो से दो, दो मिलियन ईयर्स के बीच में आता है अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे होता है तो वो होता है इनमें से राष्ट्रपति को होता है आ, किसी प्रदेश के राज्यपाल को भी होता है पर यहाँ राज्यपाल नहीं है इसलिए राष्ट्रपति ही इसका सही आंसर होगा कट कॉपी पेस्ट का आविष्कारकर्ता करता कौन है जैसे कि मेरे को इस प्रेजेंटेशन बनाने में भी इसने बहुत मदद की कट कॉपी और पेस्ट ने तो इसका जो सही जवाब है वो लैरी टेसलर ये है इनका पूरा नाम था लॉरेंस गॉर्डन ट्रेसलर इनका जन्म 1945 24 अप्रैल को हुआ और ये अभी अभी ही इनका देहांत हुआ है ये आ, आई में ये पहले काम करते थे और इन्होंने वो तरीका ढूंढा था जिससे कि डेटा को एक जगह से कॉपी कट या फिर पेस्ट किया जा सकता था छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची कौन चो, चोटी कौन सी है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे से ही गलत हुआ है इसलिए एक पॉइंट मैं आप सभी को प्लस में दूंगा ये हाँ ये गलती हो गई कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी किस पार्ट पर स्थित है ये ये क्वेश्चन होना चाहिए था इसका सही आंसर है सामरी पार्ट और ये जो है जो चोटी है सबसे ऊंची वो है गौर लाटा जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर कुछ लोगों ने मैन पार्ट लिखा है पर मैन पार्ट की जो ऊंचाई है वो पंद्रह ग्यारह मीटर है तो वो इससे छोटी है गौरलाटा से छोटी है यह बलरामपुर जिले के चांदोवन परिक्षेत्र में स्थित है और सामरी पाठ पर स्थित है आवारा मसीहा के लेखक कौन है जैसा आप सबको पता है कि आवारा मसीहा के लेखक है विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा प्रसिद्ध बंगाली लेखक चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है और आखिरी जो प्रश्न था इस प्रसिद्ध राजनेता को पहचानिए और बहुत लोगों ने इसे बहुत सही पहचाना है ये है श्री योगी आदित्यनाथ जी जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं इनका मूल नाम है अजय सिंह बिष्ट और इनका जन्म 5 जून उन्नीस को हुआ था तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस क्विज को दिलाने में मजा आया होगा जितना मुझे इस क्विज को बनाने और इसके बारे में पढ़ने में आया सीखने में आया और आपको इससे कुछ नई बातें पता लगी होंगी आप सबका इसको इस क्विज में भाग लेने के लिए इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद लाइट हाउस चैनल आप सभी को धन्यवाद प्रेषित करता है आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है तो आइए अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पे आते हैं कि इस क्विज के रिजल्ट तो ये आपके सामने हैं जो प्रथम स्थान है वो दो लोगों ने संयुक्त रूप से प्राप्त किया है जिसमें वर्षा साहू और जितेंद्र साहू हैं और उसके बाद मैंने कहा था कि मैं पहला दूसरा और तीसरा इनाम दूंगा पर चूंकि यहां पर बहुत सारे लोग हैं जिनके बराबर अंक आए हैं तो मैं प्रथम इनाम दो लोगों में बांट रहा हूं और द्वितीय इनाम चार लोगों में बांट रहा हूं प्रथम इनाम और ड्यूटी इनाम के हिसाब से मैं ये 6 लोगों को इनाम दूंगा और आप सभी से अनुरोध है कि जो लास्ट में मैं अपनी जानकारी दूंगा प्लीज ध्यान से देखिएगा लास्ट में मैं अपनी जानकारी दूंगा व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पर या फिर ईमेल आईडी पर आप मुझे अपनी जानकारी देंगे यानी अपना एड्रेस नाम फादर्स नेम फादर्स नेम और उसके बाद फिर मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट नंबर ये आप मुझे ये जानकारी देंगे व्हाट्सएप या ईमेल पे उसके बाद मैं आपसे संपर्क करूंगा और आपका इनाम आप तक पहुंचाऊंगा और यह इनाम लर्निंग से ही संबंधित होगा आपके लिए बहुत अच्छी किताबें और बहुत अच्छे स्टेशनरी के आइटम्स मैंने छाट के रखे हैं जो मैं आप तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा तो आप मुझे संपर्क करेंगे चौबीस घंटे के अंदर अंदर ताकि मैं आपको आपका इनाम पहुंचा सकूं साथ ही मैंने कहा था कि इस गिव अवे वीडियो के ऊपर कमेंट करने पर भी आपको इनाम मिलेंगे तो मैंने रेंडम कमेंट पिकर से ये इनाम छाटा है इसके विजेता हैं आलिया शेख तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप मेरी जानकारी में देख के वहां से व्हाट्सएप पे या ईमेल पर मुझसे संपर्क करेंगे और मुझे अपना नाम पिता का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर प्रदान करने की कृपा करेंगे तो आप जितने विनर हैं उन सबको एक बार बधाई जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उन सबको और बधाई और साथ ही लाइट हाउस चैनल से जुड़े रहिए मुझे अपने कमेंट सुझाव और सजेशन भेजते रहिए और ये देखिए ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है ये व्हाट्सएप नंबर है और ये ईमेल आईडी है इन दोनों में से किसी भी माध्यम से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं यदि आप में से आपको इन क्वेश्चंस पे कोई संशय है या कोई जानकारी आपको चाहिए तो भी मुझे आप संपर्क कर सकते हैं पढ़ाई को आ, सीखने को लेकर कोई यदि आपका प्रश्न है तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्विज दिलाने में बहुत मजा आया होगा साथ ही आप जुड़ जुड़े रहिए इस चैनल से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और जब हमारे एक हजार सब्सक्राइबर हो जाएंगे जब वन थाउजेंड सब्स हो जाएंगे तब हम फिर से इसी प्रकार की एक क्विज का आयोजन करेंगे और आप उसमें पार्टिसिपेट करके और चीजें सीख सकते हैं तब तक के जुड़े रहिए इस चैनल से सीखते रहिए क्योंकि लर्निंग इज लाइफ लाइफ इज लर्निंग मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा तब तक के लिए थैंक यू